नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निकंज पारिक और आप देख रहे हैं आपका चैनल इंटीरियर दोस्त। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि जो आप बहुत इंपॉर्टेंट सी बात एक लास्ट में बोलते हैं, इस बार इस वीडियो में वो बात सबसे पहले बोल देते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका वो मकान जिसमें आपको जिंदगी भर रहना है उसको आप टपाटप फिटोफिट रखें और ढंग का खाना खाया कीजिए, पैदल चलिए, एक्सरसाइज कीजिए, स्ट्रेचिंग कीजिए, लिफ्ट का प्रयोग कम से कम कीजिए, सीढ़ियां चढ़िए, साइकिल चलाइए, बच्चों के साथ खेलिए, स्वस्थ रहिए। और आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे टाइल एडेसिव के बारे में और टाइल एडेसिव को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों के फायदे के लिए, ताकि आपको पता रहे कि कितने तरीके के टाइल एडेसिव आते हैं और कौन से टाइल एडेसिव को कहां पे लगाना चाहिए और उस टाइल एडेसिव को पहचानना कैसे चाहिए। बहुत सारे लोगों को यह कंफ्यूजन होता है कि टाइल एडेसिव मतलब टाइल एडेसिव, इसमें कोई ऐसी बहुत ज्यादा खासियत नहीं होती है, एक पर्टिकुलर तरीके का टाइल एडेसिव आता है और इस तरीके से लोग टाइल एडेसिव ले आते हैं और उसको यूज कर लेते हैं, बेचने वाला भी बताता नहीं है और उसकी वजह से उनको काफी नुकसान हो जाता है, क्योंकि जो टाइल एडेसिव लग गया, लेबर लग गया, सामान लग गया और बाद में जब आप टाइल्स लगा लेते हैं या कोई स्टोन लगा लेते हैं या कोई फ्लोरिंग लगा लेते हैं और वो फेल हो जाती है तो उसको दोबारा से रिपेयर करने का खर्चा बहुत ज्यादा आता है, जिससे आपको बहुत दुख होता है और मुझे भी बहुत ज्यादा दुख होता है। तो आपको मैं एक्सप्लेन करता हूं कि टाइल एडेसिव क्या होता है और कितने तरीके के टाइल एडेसिव आते हैं और उन्हें पहचानना कैसे चाहिए। सबसे पहले टाइल एडेसिव यूरोप में बना था, तो अपन यूरोपियन स्टैंडर्ड, जो यूरोप का जो स्टैंडर्ड है टाइल एडेसिव का, वहां से शुरू करते हैं, फिर अपन आएंगे इंडियन स्टैंडर्ड्स में। तो कुछ बैग्स में आपको यूरोपियन स्टैंडर्ड की कोडिंग मिलेगी, कुछ बैग्स में आपको इंडियन स्टैंडर्ड की कोडिंग मिलेगी और कुछ बैग आपको पता ही है कि उसमें कोई भी कोडिंग नहीं मिलेगी। तो जिस बैग में टाइल एडेसिव की कोई कोडिंग, कोई स्टैंडर्ड मेंशन नहीं हो, तो उसको आप सोच समझ के अपना विवेक यूज करके काम में लीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की, जिसमें आता है कोडिंग सी से स्टार्ट होता है, C0, C1, C2। C0 नॉर्मली कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं होता। C0 का मतलब हो गया सिंपल, जो सीमेंट और जो बजरी मिक्स करके और हल्का फुल्का कोई एडिटिव्स वगैरह डाल के उसको पैक करके दे देते हैं, ऐसे समझ लीजिए रेडीमेड मसाला हो गया वो आपका। तो उसके बारे में अपन बात नहीं करेंगे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर बात करते हैं C1 स्टैंडर्ड। C1 जिस भी बैग में लिखा हुआ हो उसको समझ लीजिए कि वो टाइल एडेसिव है और वो पॉलीमर मॉडिफाइड टाइल एडेसिव है। टाइल एडेसिव में पॉलीमर डालने से ही वो टाइल एडेसिव कहलाता है। तो C1 जो है वो बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट वाला टाइल एडेसिव है, जिसको कि आप सिरेमिक टाइल्स चिपकाने के लिए, छोटे टाइल्स लगाने के लिए, इंडोर में छोटा मोटा काम करने के लिए, कुछ बाथरूम की फ्लोरिंग वगैरह लगाने के लिए काम में ले सकते हैं। तो ये टाइल एडेसिव उनके लिए सफिशियंट है। और मैं शुरू से लास्ट तक बार बार एक चीज जरूर बोलूंगा आपको कि आप कोशिश कीजिएगा कि जब भी टाइल एडेसिव यूज करें आपका मिस्त्री, तो जो ट्रावल आता है, जो लाइनें बनाता है, वो जरूर यूज कीजिएगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी टाइल एडेसिव को यूज करने के लिए। और टाइल एडेसिव के दूसरे भी वीडियो है चैनल में, उनको भी देख लीजिएगा। तो दोनों वीडियो को लिंक करके देखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा नॉलेज मिलेगा। C1 के बाद आता है C2, जो एडवांस टाइल एडेसिव है, वो सबसे अच्छा टाइल एडेसिव माना जाता है। C2 मतलब वो बड़ी टाइलें लगाने के लिए, आउटडोर में लगाने के लिए ये टाइल एडेसिव काम में ले सकते हैं। तो C1, C2 दो तरीके के टाइल एडेसिव आ गए। अब इसमें सिर्फ C1 और C2 से काम नहीं चलेगा, इसमें फुल एडिशनल कुछ और फीचर्स ऐड होते हैं जो स्पेशल इंस्टॉलेशंस के लिए आप काम में ले सकते हैं। तो एक एक करके मैं बताता हूं आपको। टी मतलब, पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं कितनी क्या क्या जो स्टैंडर्ड C2 के आगे क्या क्या लिखा हुआ आ सकता है। एक आ सकता है आपके पास टी। टी मतलब टैक, टैक मतलब चिपकना। तो रिड्यूस स्लिप मतलब आप टाइल चिपकाओगे तो टाइल ऐसे नीचे की तरफ सरकेगी नहीं, वो जो टाइल एडेसिव है जब तक सूखेगा नहीं तब भी वो उसको एक जगह पे पकड़ के रखेगा, तो उसको कहते हैं टी। फिर उसके बाद आता है एफ। एफ मतलब फास्ट सेटिंग, जैसे आपने टाइल एडेसिव को लिया, लगाया, जल्दी सेट हो जाएगा वो आपको, तो एफ हो गया। फिर आएगा आपके ई लिखा हुआ आ सकता है, उसमें ई मतलब हो गया एक्सटेंडेड ओपन टाइम। लगाने के बाद थोड़ी ज्यादा देर तक आप, मतलब किसी कारण से आपको टाइल एडेसिव लगाने के बाद टाइल उठा के लगाना करना, मतलब आपको थोड़ा टाइम ज्यादा चाहिए, तो उसमें ई रेटिंग आ जाएगी, एक्सटेंडेड ओपन टाइम। और एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है, सबसे इंपॉर्टेंट वो है एस। एस मतलब एस फॉर सिंगापुर। तो एस मतलब उसमें, एस में भी दो रेटिंग आती है, S1 S2। एस का मतलब आता है डिफॉर्मेबिलिटी, मतलब टाइल का जो एडेसिव है वो सूखने के बाद भी एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्ट, थोड़ा लचीला रहेगा अंदर से, जो कि समझ लीजिए आप गर्मी में टाइल एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो उसके साथ साथ आपका जो नीचे का जो एडेसिव है वो भी उसको सपोर्ट करेगा एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन को। दैट इज S1 और S2। S1 मतलब थोड़ा कम डिफॉर्मेबल, S2 मतलब थोड़ा ज्यादा डिफॉर्मेबल। तो ये मैंने आपको बहुत शॉर्टकट में बहुत सारा ABCDSZ हो गया है,
तो अगर आपको नहीं समझ में आया तो नीचे डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी पूरा लिख दूंगा, तो उससे आपको काफी फायदा हो सकता है, उसको आप कॉपी कर सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं कहीं पे भी यूज करने के लिए। अब बात करते हैं इंडियन स्टैंडर्ड को। अब यही जो यूरोपियन स्टैंडर्ड है उसी को इंडियन स्टैंडर्ड में इसको ले लिया गया है विद सम चेंजेस एज पर द एनवायरमेंट, क्योंकि भारतवर्ष का जो मौसम है या जो वेदर रहता है वो यूरोप के वेदर से बिल्कुल अलग रहता है। तो हालांकि उसको जो यूरोपियन स्टैंडर्ड को भी आप अपने समझदारी से यूज कर सकते हैं, बट इंडियन स्टैंडर्ड के बारे में भी अपन बात कर लेते हैं। तो इस इंडियन स्टैंडर्ड जो है वो BIS 15477 15477 ये नंबर है, आप गूगल करेंगे तो वहां पे भी आपको मिल जाएगा ये। तो इसमें जो टाइप इन्होंने टाइप दिया, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, चार तो ये आ गए जिसमें पॉलीमर मॉडिफाइड एडहेसिव आता है, और एक आता है टाइप 5। टाइप 5 के बारे में लास्ट में बात करते हैं। तो टाइप 1 जैसे आपको मैंने बताया C1 समझ लीजिए, अब C1 सिंपल C1 जो एडहेसिव हो गया वो T1 हो गया, मतलब इंडोर के लिए सेरामिक टाइल्स लगाने के लिए जिनमें 3% के आसपास का जो वाटर एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी होती है, पोरस जो टाइल्स होती है जिसमें थोड़ा जो टाइल जो पानी सोखती है उनको लगाने के लिए आप टाइप 1 एडहेसिव यूज कर सकते हैं, इंडोर इंस्टॉलेशन के लिए आप यूज कर सकते हैं। फिर आ गया टाइप 2। टाइप 2 जो है वो आप आउटडोर में भी यूज कर सकते हैं, और लेकिन पोरोसिटी तो है टाइल में लेकिन पोरोसिटी कम है, 3% से कम है। फिर आ गया टाइप 3। टाइप 3 मतलब आ गया लार्ज फॉर्मेट टाइल्स, जो बड़ी टाइलें आजकल जो आती है उनको लगाने के लिए आप टाइप 3 अगर आपकी रेटिंग है तो वो वाला एडहेसिव आप यूज कर सकते हैं। और टाइप 4 जो है वो और ज्यादा एडवांस है, ये ड्राई वॉल के लिए, ड्राई वॉल मतलब जिप्सम बोर्ड की जो दीवार आपने बना रखी है या कोई कैल्शियम सिलिकेट बोर्ड की या सीमेंट बोर्ड की आपने दीवार बनाई और प्लाई की दीवार बनाई मरीन प्लाई की, तो उसके ऊपर आपको टाइल लगाना है तो आप उसके ऊपर भी टाइल लगा सकते हैं, स्टाइल एडहेसिव से बिल्कुल आराम से लग जाएगी। तो कहीं कहीं पे होता है ना, जैसे कहीं बाथरूम बनाया आपने, किसी कारणवश ऐसी कोई रिक्वायरमेंट आ जाती है कि आपको ड्राई वॉल क्रिएट करना, तो भारतवर्ष में ड्राई वॉल का कॉन्सेप्ट बहुत कम है, इंटरनेशनली बहुत ज्यादा यूज में लिया जाता है। तो ड्राई वॉल पे भी अगर आपको टाइल लगानी हो तो ये टाइप 4 जो इंडियन स्टैंडर्ड है उसमें लगा सकते हैं। फिर आता है टाइप 5 जो कि एक रेजिन बेस्ड टाइल एडहेसिव है, वो एक अलग तरीके से स्पेशल इंस्टॉलेशन के लिए रिक्वायर्ड है, उसके बारे में कभी अलग से दूसरे वीडियो में बात करेंगे। तो ये था एक छोटा सा वीडियो जो टाइल एडहेसिव के बारे में। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बार बार पहले भी पुराना जो वीडियो उसमें भी मैंने बोला हुआ है कि कभी भी आप टाइल एडहेसिव यूज करें तो दो चीज का बहुत जरूर ध्यान रखिएगा कि अगर आप वॉल इंस्टॉलेशन कर रहे हैं या बाहर एलिवेशन में इंस्टॉलेशन कर रहे हैं तो जो आपकी जो दीवार है वो कोशिश करिएगा जितनी ज्यादा इवन हो सकती है उतनी इवन होनी चाहिए, क्योंकि कहीं पे टाइल एडहेसिव ज्यादा लग गया कहीं पे टाइल एडहेसिव कम लग गया उसकी भी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि टाइल एडहेसिव भी बहुत ज्यादा नहीं लगा सकते आप, 3 mm से लेकर के 10-12 mm तक का लेयर आप लगा सकते हैं, बट उससे ज्यादा लगाएंगे तो टाइल एडहेसिव में भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो पहले आपकी जो जो वॉल है जिसपे आप टाइल लगाने वाले हैं वो इवन हो। दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ट्रावल से ही टाइल एडहेसिव यूज करना है, सो दैट कि वॉल पे भी आपने ट्रावल से टाइल एडहेसिव लगाया, फिर टाइल के पीछे जो बैक बटरिंग करी वो लगा करके उसमें भी ट्रावल लगाया आपने तो वो प्रॉपर चारों तरफ पूरी टाइल में एक्सपेंड हो जाएगा, और जो वो नॉचेस बनते हैं ट्रावल से उसको जब टाइल को आप जब दबाते हैं तो वो टूटता है, टूटने से चारों तरफ इवन पेस्टिंग, चारों तरफ अच्छे से टाइल में चारों तरफ एडहेसिव लग जाता है जिससे कि इसको फेल होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो ये वाली जो प्रॉब्लम आती है आप लोग बहुत बार कमेंट करते हैं कि हमने बाहर एलिवेशन में टाइल लगाई थी लेकिन अब टाइलें निकल निकल के गिर रही है, तो ये जो टाइलें निकल के गिरने की जो प्रॉब्लम होती है उसको मतलब कम करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए, उसकी ये करना कि वो बिल्कुल गिरे नहीं, उसके लिए टाइल एडहेसिव यूज करें, अच्छी क्वालिटी का टाइल एडहेसिव यूज करें और प्रॉपर तरीके से जैसे मैन्युफैक्चरर ने लिखा हुआ है, जैसे उसने इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है वैसे ही उसको यूज करेंगे तो वो परफेक्ट काम करेगा। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा, अगर आपके लिए यूजफुल रहा हो तो एक लाइक दे दीजिएगा, आपको लगे कि ये वीडियो किसी के साथ शेयर करना चाहिए तो आप उनसे शेयर जरूर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे और उनका नुकसान कम से कम हो। और बाकी सारी चीजें जो लास्ट वाली जो बोलने वाली बात मैं पहले बोल चुका हूं फिर भी एक बार और बोल देता हूं कि डंका खाना खाइए, एक्सरसाइज कीजिए, पैदल चलिए, साइकिल चलाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, जय हिंद।